हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और कैसे हो आप लोग, सब ठीक हो? तो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरी गाड़ी की अंदर की मॉडिफिकेशंस। मैंने अभी तक क्या क्या मेरी गाड़ी में लगवाया, क्या क्या कितने रुपए का मुझे पड़ा है, तो मैं सारी एक एक चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ और मैं शेयर करता हूँ आप लोगों को, ठीक है? अगर आप लोगों को कोई भी क्योरी है, कुछ पूछना है, तो आप लोग मेरे कमेंट करना, ठीक है? तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरी गाड़ी के अंदर मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवाई हुई हैं। आजा। ओहो, सीट का नीचे कर लेना। क्या थे? तो दोस्तों, मंदीप जैसे कि कर्टेंस निकाल रहा है पीछे से, अभी हम लोग कर्टेन लगाएंगे गाड़ी में, उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या अभी तक मॉडिफिकेशंस करवाई है, ठीक है? आ जा, तू रख, आ जा, फिर दिखा दूंगा, लगा दूंगा, आ जा। राजा नाना चालू है ये बंदना करो टाइम वॉच ऐसे। दोस्तों, ये सीट बेल्ट की जैसे कि मैंने लगा रखा है इसमें ऑलरेडी, ताकि ये सेंसर ना बजे अगर हमें थोड़ी दूर के लिए जाना हो। बाकी मैं प्रेफर नहीं करता कि आप लोग लगाओ गाड़ी में, सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी हम सभी के लिए, तो हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए, बट मैंने ये लगा रखी है ताकि सेंसर बीप ना करे मेरे, ठीक है? दूसरा मेरा मॉडिफिकेशन है ये चार्जर, क्योंकि तो चार्जर मैंने इसमें लगा रखा है, 38 वोल्ट का चार्जर ही है, ठीक है? इसके बाद मैंने ये स्क्रीन लगवा रखी है कंप्लीट एंड्रॉयड, 2GB 32GB में स्क्रीन है। इसमें सारी चीज़ मैप यूट्यूब सब कुछ ऑनलाइन चल जाता है। इसके साथ ये पैनल लगवा रखा मैंने। अच्छा, इसमें यूट्यूब चला, यूट्यूब चला के दिया। इसके साथ ही मैंने गाड़ी में हॉर्न भी डलवा रखा है। यूट्यूब के लिए भाई आपको कनेक्ट करना पड़ेगा वाईफाई, वाईफाई कनेक्ट करी इसमें, घर वाला जोड़ दे, घर का जोड़ इसमें, इसमें जोड़। और ये मैंने आप लोगों को पता ही है मेरी प्यारी चीज़ दोनों, तो ये मैंने लगवा रखी गाड़ी में। इसके अलावा मैंने वाइट LED डलवा रखी इसमें रूफ में, जो कि आप लोगों को दिख रही होगी, वाइट LED रूफ में मैंने डलवा रखी है ये, ठीक है? इसके अलावा मैंने कर्टेंस लगवा रखी है गाड़ी में, और मैंने ये गर्दन की रेस्ट के लिए ये भी लगवा रखी है इसमें, इसको क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट आप लोग देख सकते हो। इसके साथ मैंने फ्लोरिंग करवाई थी मैंने गाड़ी में, अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो फ्लोरिंग, ये रही फ्लोरिंग, ठीक है? पूरी गाड़ी में मैंने फ्लोरिंग करवाई थी, ये हो गया था। और अभी तक मेरी गाड़ी मात्र कितनी चली है, 8208 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है अभी तक टोटल, 7:25 हो चुकी है। और ये YouTube मैंने चला लिया दोस्तों, अभी इसमें कोई गाना लगा देते हैं आप लोगों के लिए, बाकी गाने में कॉपीराइट आ जाएगा, मैं आप लोगों को सुना नहीं सकता, बट मैं फिर भी लगा देता हूँ। और हाँ, मैंने शिव की मूर्त रखवा रखी इसमें, शिव जी की हमारे, जो कि बड़ी प्यारी लग रही है रखी हुई। एंड मैंने दोनों दरवाज़ों में स्पीकर्स डलवा रखे हैं रिंग के साथ, जो कि रिंग आती है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ दरवाज़ों के अंदर स्प्रेड हो, वो रिंग मैंने डलवा रखी। अब मैं आप लोगों को हाई क्वालिटी में वीडियो चला के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने क्वालिटी सिलेक्ट करी, एडवांस क्वालिटी पे मैं गया, उसके बाद मैंने 180 पिक्सल करी। अब आप लोग क्वालिटी चेक करना और बताना मुझे कि कैसी लगी क्वालिटी आप लोगों को, ठीक है? दोस्तों बताओ कैसी लगी क्वालिटी स्क्रीन की।
तो आज आप लोगों को मैंने अपनी गाड़ी का अंदर का टूर दिया, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें बताई कि मैंने क्या क्या लगवा रखा, बट मैंने उनका अभी तक प्राइस नहीं बताया। तो आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ लगवानी हो तो प्राइस मुझसे पूछ सकते हो मैसेज करके, कमेंट करके, ठीक है। मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट वहाँ पर लिंक किया हुआ, तो आप वहाँ पर जाके मैसेज कर सकते हो। मैं आप लोगों को प्रॉपर एक एक चीज़ गाइड करूँगा, कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से लगवाई है, और सारी अच्छी क्वालिटी की है, सारी वारंटी में पड़ी हुई है, अभी दो दो साल की वारंटी थी सभी की। कुछ चीज़ें ऐसे जो मेरी पुरानी गाड़ी में थी और मैंने अभी इस गाड़ी में डलवा ली है, वो चीज़ें निकलवा के, ठीक है। तो बाहर जो मैंने मॉडिफिकेशन करवाई है गाड़ी के, बाहर जितने भी हो उसके लिए मैं एक अलग से व्लॉग डाल दूंगा आप लोगों के लिए। अभी अंदर के लिए इतना ही, बाकी कुछ मॉडिफिकेशन पीछे भी थी, जैसे कि मैंने एम्बियंस लाइट पीछे डिग्गी में पड़ी हुई है, अभी मैंने लगवाई नहीं है, तो जब मैं उसको इंस्टॉल करूँगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें जो मॉडिफिकेशन करवानी मुझे गाड़ी के अंदर, जैसे कि आर्म रेस्ट हो गया, अभी तक बेस्ट भी मेरी डिग्गी में पड़ी हुई है, उसकी भी मैंने अभी तक वायरिंग नहीं करवाई है, क्योंकि पीछे पार्सल ट्रे मुझे डलवानी है जिसमें स्पीकर आएंगे ओवल की 6 इंची, ठीक है। तो तब मैं अपनी बेस ट्यूब इंस्टॉल करूँगा उसमें, जब तक मैं इंस्टॉल नहीं करवा रहा, क्योंकि अभी तक मेरी गाड़ी में 2 ही स्पीकर हैं और 2 मैंने इंस्टॉल नहीं करवाए हैं। वो जो पार्सल ट्रे जब आएगी मेरी गाड़ी में वो तब इंस्टॉल होंगे, ठीक है, तब मैं बेस ट्यूब भी लगाऊंगा। अभी मेरी गाड़ी में रखी हुई मैंने इंस्टॉल नहीं करी है, तो उसके बाद देखते हैं कैसी साउंड है गाड़ी में स्पीकर्स की बेस ट्यूब के साथ है, ठीक है, तब मैं आप लोगों के अलग से व्लॉग देता हूँ। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस, टेक केयर।